पुलिस प्रशासन ने कोयला माइंस में हुई लाखों रुपए के सामान चोरी का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बताया कि बदमाशों ने स्टोर रूम का ताला तोड़कर लाखों का सामान चोरी कर लिया था और चोरी का सामान कबाड़ में बेच दिया था। पुलिस ने बदमाशों के पास से सारा सामान जब्त कर लिया है। महादेवपुरी कोयला माइन से चोरों ने तांबा समेत 3,56,000 रुपए का सामान चुराया था, जिसका खुलासा करते हुए एसडीओपी अनिल शुक्ला ने बताया कि जिस स्टोर रूम में चोरी हुई थी उसमें रोजाना इस्तेमाल करने वाली सामग्री रखी जाती थी। चोरों ने 2 ड्रिल सॉकेट सहित 3,56,000 रुपए का सामान चुराया। आरोपी अब्दुल रहमान मोंटी और पप्पू सरदार व इनके साथियों ने खदान से सामान चुराकर इसकी केसिंग उतारी। इसके बाद इन लोगों ने तांबा पीतल ले जाकर चांदा बेटा के कम्मू उर्फ कमरान कबाड़ी को बेच दिया। पुलिस ने कबाड़ी के पास से चोरी का सारा सामान जब्त कर उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। इन लोगों ने अपने साथी मंजीदुर पप्पू के साथ मिलकर दिनांक 15/5/23 की रात में स्टोर रूम की सील तोड़कर अंदर घुसकर उपरोक्त सामान चोरी करना और चोरी करने के बाद चांदा मेटा के कबाड़ी शेख कमरान उर्फ कम्मू को बिक्री करना बताया। आरोपियों ने सदेही पर थाना प्रभारी परासिया द्वारा उपरोक्त सामान कीमती 2,06,000 रुपए का बरामद किया गया। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है। हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।